आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक्स। इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कई बच्चे इससे घबराते हैं लेकिन ये बहुत इजी होता है। और पहली शॉर्ट ट्रिक है ये हमारी, और भी हम लेकर आने वाले हैं इसी टाइप से। अगर आपको वन अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस का होना चाहिए, तब ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। जब वन अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो एक तरीका और भी होता है जिसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से फैक्टर करके कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट इसका आंसर आता है वन अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लॉग डी अपॉन डी एक्स, मतलब ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अपॉन में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब इसके कुछ क्वेश्चन समझते हैं। ये अपने पास एक क्वेश्चन है वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर। अब आपको इसको कंपेयर करेंगे तो आपको a इक्वल टू वन मिलेगा, b इक्वल टू फाइव मिलेगा और c इक्वल टू फोर। तो आप पहले चेक करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो b की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो ये फाइव का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू वन है और c की वैल्यू फोर है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, तो आंसर आपका 9 आ रहा है। तो आपके पास प्लस वैल्यू आ रही है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ये इसके अकॉर्डिंग। तो वन अपॉन में अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का आंसर 9 आ रहा है और लॉग, इसके आंसर हमेशा लॉग में आते हैं। डिफ्रेंसिएशन, किसका डिफ्रेंसिएशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन थी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का फाइव एक्स प्लस फोर माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो उसकी वैल्यू 9 है। यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसका डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स प्लस फोर प्लस अंडर रूट के अंदर 9। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, वन अपॉन अंडर रूट कितना हो, 9 कितना होगा 3 होगा और लॉग इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2x प्लस का 5, इसका बचेगा माइनस 3 और आपके पास यहाँ पर भी बचेगा 2x प्लस का 5 और प्लस का 3। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो यहीं पे अपन सॉल्व कर देते हैं इसको, 1 अपॉन 3 लॉग और ये बचेगा आपके पास यहाँ पे लॉग के अंदर 2x और ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो प्लस का 2 अपॉन में यहाँ से अपने पास बचेगा 2x प्लस का 8। अगर और सॉल्व हो रहा है ऊपर से 2 कैंसिल आ रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, बिल्कुल कॉमन ले लेते हैं अपन यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 लॉग, तो बचेगा अपने पास x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 4। ये देखिए आंसर आ गया। तो जब भी आपके पास 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप ए बी सी की वैल्यू निकालो, उसके बाद सबसे पहले चेक करो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर 1 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डी अपॉन डी एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में डी अपॉन डी एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये क्वेश्चंस था जो आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक क्वेश्चंस और लेता हूँ उसको भी इसी टाइप से अपन चेक करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है कई बार आईआईटी में आ चुका है, सीईटी में आ चुका है, वीआईटी वैलोर इंस्टीट्यूट की जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें भी आ चुका है, तो इस टाइप के शॉर्ट ट्रिक से आप इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, मैं उसको यहाँ पर ले लेता हूँ, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस सिक्स डी एक्स। पहले आप इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, b की वैल्यू माइनस फाइव और c की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी, तो a, b, c की वैल्यू आपको तीनों मिल गई है। अब चेक करो b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो वो क्या है माइनस का 5 स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 6 है, तो माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 25 होगा माइनस का 24, तो आंसर आ गया आपके पास में। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी पॉजिटिव आया तो ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट आंसर लाता हूँ, वन अपॉन अंडर रूट वन हो जाएगा लॉग डिफरेंशिएशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यहाँ पे डिफरेंशिएशन, और ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं समझाने के पर्पज से थोड़ा सा लेंदी ले रहा हूँ उसको, माइनस अंडर रूट के अंदर वन अपॉन में अगेन इसका डिफरेंशिएशन, ए टर्म आती है बस प्लस में जाती है और प्लस सिक्स प्लस अंडर रूट के अंदर वन,
तो ये वन अपॉन अंडर रूट वन, वो तो वन ही होगा, और वन लिखते भी नहीं है तो डायरेक्ट लॉग बचेगा आपके पास यहाँ पे, और इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो बचेगा 2x माइनस का 5 और यहाँ पे माइनस 1, इधर भी आपके पास बचेगा 2x माइनस 5। हो सकता है स्टेप आपको दिख नहीं रही हो, मैं अगेन उधर भी लिख दूंगा इस स्टेप को। तो यहाँ पे आपके पास इसी चीज़ को मैं एक बार और लिख देता हूँ, तो लॉग आपका जो आंसर बचेगा 2x माइनस 6 बचेगा, 2x माइनस 6 दोनों ऐड हो जाएंगे और ये 2x माइनस 4 बचेगा। आप चाहे तो बस 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो ये बचेगा आपके पास x माइनस 3 और नीचे बचेगा x माइनस 2, तो ये आपका आंसर होगा। प्लस सी तो हर क्वेश्चन में आप आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लगा ही सकते हैं, तो ये उन क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो जब वन अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दियो, मैं अंडर रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, वन अपॉन में सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो आप पहले उसका बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी की वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है वन अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी लॉग डी अपॉन डी एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी डी अपॉन डी एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी। आई होप आपको ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकेंगे।